बढ़ाइए बढ़ाइए। कार्यक्रम आज हम लोग प्रतिपक्ष को फाइनल टच देने के लिए पिछले कई दिनों से नगर निगम के महापौर, सभी माननीय पार्षद, नगर निगम के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, जिला प्रशासन, सरकार के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। गया शहर में लाखों लाख की संख्या में तीर्थ यात्री लोग आते हैं और अतिथि देवो भव हम लोग के लिए वो परम पूज्य हैं। सारे आवासन की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराई जा रही है। सारे आवासन में जो भी सफाई व्यवस्था है, पानी टंकी, वो निगम कर रही है। पूरे शहर का सफाई निगम द्वारा की जा रही है। प्रकाश की व्यवस्था निगम द्वारा की जा रही है। वृद्ध और लाचार लोगों के लिए व्यवस्था नगर निगम द्वारा ई रिक्शा के माध्यम से की जा रही है। गया रेलवे स्टेशन के प्रांगण में शिविर लगाया गया है। उसके बाद अनेकों जगह, मतलब 50, 60, 70 जो भी आवश्यकता अनुसार शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें आपका जलापूर्ति का उनको दिया जाएगा तीर्थ यात्रियों लोगों को, और साथ में वहां पर आसपास के जो लोग होंगे उनको भी उससे सुविधा मिलेगा। मिनरल वाटर का व्यवस्था हम लोगों ने रखवाई है वहाँ नगर निगम की ओर से। और इसके अतिरिक्त जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं, लाइटों से सजाना वगैरह इत्यादि इत्यादि, और हम लोग सोच रहे हैं कि नदी में उसका प्रचार प्रसार भी कराएं LED के माध्यम से। कई ऐसे नए कंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि नगर निगम का दायित्व भी, अपनी कृत्य भी निर्वहन हो, और साथ ही साथ हमारे जो अतिथि आए उनका गया का नाम देश दुनिया में पूरा इसका चर्चित हो। इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज आउटसोर्सिंग किए हैं सफाई व्यवस्था, जो ड्रेस में, हैट, ग्लैप्स और एक कोड में, वो उद्घाटन हुआ उसका हुए जिसका आज हम लोग शिविर का उद्घाटन किए। उनको हम लोग टेंडर के अतिरिक्त भी गया शहर में थोड़ा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किए हैं। अपने तरफ से हम लोगों ने संवेदक को अनुरोध किया है, उन्होंने अभी फॉगिंग मशीन लाया है, फॉग करेंगे सारे जगहों में मच्छरों का प्रकोप से बचाने के लिए। और इसके साथ ही उन्होंने एक छोटा स्मॉल साइज का रोड स्वीपिंग मशीन भी लाया है, जबकि हमारा आदेश में नहीं था, फिर भी उनका अपना ये है, वो धन्यवाद इसके लिए। और इसके बाद हम लोग दूसरा ये मनसरवा नाला, जो काफ़ी शहर के लंबी भागों से होते हुए नदी में पानी बरसों से गिरता है, इसका हम लोग कुछ तत्काल व्यवस्था किए थे, पर वो काफ़ी ऊंचा ड्रेन इंजीनियर द्वारा बना दी गई है, इसलिए ये मामला वैसे के वैसे बना हुआ रह गया। इसका तत्काल हम लोग कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, आज ये नाला बंद करके, मनसरवा नाला बंद कर दी गई है। अब आज से फल्गु नदी में गंदा पानी नहीं जाएगा, जो तर्पण करने के लिए कठिनाई हो रही थी मुख्य धारा में जाने के लिए, और रातों रात ये जो थोड़ी बहुत गंदगी बालू पर नदी में दिख रहा है, इसको हम लोग समतलीकरण करा रहे हैं। मतलब अब साफ और स्वच्छ पानी मिलेगा आप लोगों को फल्गु नदी में? स्वच्छ पानी तो है ही, बट वो गंदगी है, नाले का पानी से सीताकुंड जाने के लिए रास्ता एकदम बिल्कुल सटीक। अस्थायी व्यवस्था निगम प्रयासरत है, शीघ्र ही कुछ इसका निदान हम लोग निकल